पर यूक्रेनी हमला सामने आया। और रूसी युद्ध बंदियों की यूक्रेन में गोली मारकर हत्या की गई है। इन दोनों घटनाओं से पुतिन का पारा एक बार फिर से हाई हो चुका है। लगातार वॉर जोन में तनाव बढ़ता जा रहा है। जेलेंस्की से प्रतिशोध की आग में तलतल कर पुतिन जल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने एक और यूक्रेन में, हमने आपको पहले बताया, अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। आर्कटिक के ऊपर उन्होंने पश्चिमी देशों को घेरने के लिए पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। पुतिन के प्रचंड गुस्से को अब अमेरिका तक ये कह रहा है कि यूक्रेन को सैन्य सपोर्ट से परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। बाल्टिक सी के ऊपर भी रूसी लड़ाकू विमान उड़, यानी चौतरफा घेरेबंदी न सिर्फ पश्चिमी मुल्कों की बल्कि यूक्रेन में भी जबरदस्त अटैक। आर्कटिक और अब बाल्टिक सागर के ऊपर भी पेट्रोलिंग और वहां पर भी फाइटर जेट छूड़ा। वॉर जोन से बड़ी खबर यह है कि रूसी लड़ाकू विमानों ने बाल्टिक सी के ऊपर उड़ान भरी है। रूसी फाइटर जेट नाटो के वॉरशिप से ऊपर से उड़े हैं, यानी सीधा सीधा जो संदेश है वो पश्चिमी देशों की तरफ से है, पश्चिमी देशों को है कि अगर आपने यूक्रेन की ऐसे ही मदद जारी रखी तो अब जो अगला टारगेट होगा वो आप होंगे। और जिस दौरान ये उड़ान भरी बाल्टिक सी के ऊपर रूस के फाइटर जेट ने, उस दौरान रूस के फाइटर जेट और नाटो के जंगी जहाजों के बीच सिर्फ 300 फीट का फासला था। पुतिन के इस नए मूव के बाद सिर्फ खौफ एक बात को लेकर है कि क्या परमाणु प्रलय अब बहुत ज्यादा दूर नहीं। पुतिन के बारूदी प्रकोप से यूक्रेन धड़क रहा है और अब परमाणु युद्ध का ट्रिगर भी ऑन हो चुका है। यूक्रेन के शहर कभी भी परमाणु शोले में स्वाहा हो सकते हैं, एटमी रेडिएशन के चैम्बर में बदल सकते हैं, यहाँ तक कि यूक्रेन भी दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। पुतिन के न्यूक्लियर वॉर की तैयारी ऐसी है कि अगर नेटो देशों ने पुतिन को उनके परमाणु मिशन से रोकने की हिमाकत की तो उन्हें भी जवाब एटम बम से ही मिलेगा। 300 फीट दूर एटम बम जंग हुई तो नेटो भी भस्म। अब तक पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स रूसी जमीन पर परमाणु पराक्रम दिखा रही थी, परमाणु हथियारों की नुमाइश कर जेलेंस्की को खबरदार कर रही थी, लेकिन अब पुतिन के पलटन ने बाल्टिक सी में भी परमाणु युद्ध का ट्रेलर दिखा दिया है। रूसी लड़ाकू विमानों ने नाटो के जंगी जहाजों के ऊपर से उड़ान भरकर उन्हें लास्ट वार्निंग दे दी है और नाटो की फ्लीट देखती ही रह गई। तैयार विश्व युद्ध ऑर्डर, बाल्टिक सी में एटमी डेंजर। बाल्टिक सी से ही विश्व युद्ध की शुरुआत में खतरा इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि रूसी लड़ाकू विमान किंजल जैसी मिसाइलों से लैस है और रूसी सेना ने अपनी ज्यादातर मिसाइलों को टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड से भी लैस कर दिया है। ऐसे में वार पलटवार होता तो बाल्टिक सी में भी परमाणु युद्ध भड़क सकता था।